मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूर पवित्र पावन सलीला मां नर्मदा के तट पर विराजित स्वयंभू भूत भावन आशुतोष भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग राजा मानदाता की तपस्थली रही है। मानदाता नगरी में विराजित होकर यह देश विदेश में विख्यात तीर्थ स्थल माना जाता है। यहां देश विदेश से अनेक श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र श्रावण मास के पर्व पर आते हैं, जहां मां नर्मदा के पवित्र जल में स्नान पूजन कर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। शास्त्रों की मान्यता अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सावन मास पर्व पर बेलपत्र चढ़ाने की अधिक मान्यता है। यह मंदिर नर्मदा जी के उत्तर तट पर स्थापित होकर अपनी छटा बिखेरता है। पवित्र नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ममलेश्वर महादेव का मंदिर होने से इनके दर्शनों का लाभ लेना भी शास्त्र अनुसार अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव मंदिर का द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें स्वयंभू भूत भावन आशुतोष ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। चारों धाम को तीर्थ यात्राएं करने के बाद तीर्थयात्री ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पर आकर जल समर्पित करते हैं, तब जाकर चारों धाम तीर्थ यात्राओं का लाभ भी श्रद्धालुओं को मिल पाता है। यहां सावन मास के पावन पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की देखरेख के लिए श्रीजी मंदिर ट्रस्ट वहां की व्यवस्था संभालता है। श्रावण मास के पावन माह में उचित दर्शन की तैयारियां की गई है। शाही सवारी के साथ नौका विहार भी यहां होगा। श्रावण मास में यहां शाही सवारी निकाली जाती है, जिसमें भगवान ओंकारेश्वर की प्रतिमा को नर्मदा नदी के उत्तर तट पर पूजन जल अभिषेक आरती के पश्चात नौका विहार करवाया जाता है। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नौका विहार के बाद ओंकार जी नगर भ्रमण कर अपने भक्तों का हाल जानते हैं। इस अवसर पर दक्षिण तट पर विराजित ममलेश्वर महादेव की भी रजत प्रतिमा को नर्मदा नदी के पावन तट पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बाद ओंकार महाराज के साथ नगर भ्रमण करते हैं। नगर के मुख्य मार्ग से महासवारियां भी निकाली जाती है। यहां श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जाती है, जिसमें भारी संख्या में स्त्री पुरुष भाग लेकर गुलाल एवं गुलाब की पुष्प वर्षा से सराबोर होकर भोले शंभू भोलेनाथ के जय घोष में रम जाते हैं, जिससे समूची ओंकार नगरी शिवमय होकर गुंजायमान सुनाई देती है। सावन मास में हर कोई तीर्थ नगरी में आने के लिए आतुर रहता है। भारतीय न्यूज के लिए अजीत लाड़ की विशेष रिपोर्ट। हम लोग मथुरा से आए हैं और सुबह से लगे हुए हैं 5 बजे से लाइन में, और हम लोग अभी दर्शन करके अभी आए हैं और दर्शन बहुत बढ़िया हुआ। भीड़ बहुत है लेकिन धक्का मुक्की में फिर भी भगवान का दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। सावन का महीना, इधर हरियाली थी और महादेव जी के दर्शन हो गए सावन के महीने में। ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है और शास्त्रों के अनुसार भी ऐसा बताया गया है कि राजा इच्छांशु हुए जो, उनके यहाँ पर किसी भी प्रकार की संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी। उन्होंने ऋषियों से मुनियों से चर्चा करी और वह चिंतित थे कि अपने परिवार की देखभाल कौन करेगा, परिवार में पुत्र नहीं होता था। तो इच्छांशु राजा को ऋषि मुनियों और तपस्वियों के द्वारा ओंकार पर्वत पर एक यज्ञ करने की सलाह दी और राजा इच्छांशु ने वह बात मान ली। वह एक ऋषियों के द्वारा दिया गए कलश को लेकर ओंकार पर्वत पर आए और यहाँ पर स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव का जो विशाल मंदिर है, जहाँ पर चने की दाल छिड़ती है, यहाँ पर रात्रि विश्राम किया और अचानक ही इच्छांशु को प्यास लगी और प्यास के दौरान उन्होंने घबराहट में वह कलश में रखा हुआ जल ग्रहण कर लिया। जब सुबह ऋषि मुनि और तपस्वी लोग यज्ञ स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने राजा से कलश स्थापना के लिए मांगा। उस दौरान राजा द्वारा वह कलश जब बतलाया गया और यह सारी कहानी बताई गई कि मुझे रात में घबराहट हुई थी और उन्होंने वह जल ग्रहण कर लिया, बस वहीं से ऋषि मुनियों के द्वारा इच्छांशु को यह आशीर्वाद दे दिया गया और स्वयं इच्छांशु यहाँ पर उनको गर्भ ठहरा और एक पुरुष के रूप में उनसे गर्भ का उत्पादन गर्भ हुआ। गर्भ होने के बाद में यहाँ पर राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि राजा मानधाता माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए और उन्हीं की तपस्या के बल पर यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग जो मानधाता नगरी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर है।
और ऐसा कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार ओंकारेश्वर एक बार, अगर आप किसी भी प्रकार पूरे भारतवर्ष के चारों धाम तीर्थ यात्रा का भ्रमण कर रहे हैं और उस भ्रमण के दौरान आप अगर ओंकारेश्वर नहीं आते हैं तो आपका तीर्थ